फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे पावर आर्किटेक्चर फॉर टेलीकम्युनिकेशन। मतलब हम टेलीकम्युनिकेशन में कैसे हम पावर यूज करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बताता हूँ, जो टेलीकम्युनिकेशन में जो हम लोग पावर यूज करते हैं, एसी और डीसी दोनों होता है। तो एसी हम लोग किस लिए यूज करते हैं, डीसी किस लिए यूज करते हैं और किस प्रकार हम लोग यूज करते हैं, तो चलिए देखते हैं हम इस वीडियो में। और दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और टेक्नीशियन या मैनेजर के पद पे अगर आप टेलीकॉम में ज्वाइन करना चाहते हैं, इंफ्रा में, इंफ्रा बोले तो पावर के रिलेटेड, तो आपको ये वीडियो आपको देखना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपको बहुत मदद करेगा ये वीडियो, ठीक है? क्योंकि इसमें आपको बहुत चीज़ें, ऐसे चीज़ें जो है सीखने के लिए मिलेगा जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये रहा मेरा इलेक्ट्रिकल लाइन, ठीक है, ये जो मेन लाइन है, ठीक है। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे अपने ट्रांसफार्मर से। आप देखे होंगे जहाँ पे टावर रहता है वहां पर ट्रांसफार्मर रहता है, हर एक साइड पर ट्रांसफार्मर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये जो आपका मेन मेन लाइन है, ये आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर है आपका, जो कन्वर्ट करता है टू, मतलब 440 वोल्ट में आपका, और ये 3 फेज सप्लाई, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर से हम क्या करेंगे दोस्त, अपना जो है पावर देंगे हम इसको, ट्रांसफार्मर से जो है हम केबल रूट करेंगे हम अपना पावर प्लांट के लिए, ठीक है। पावर प्लांट भी आप देखेंगे हर एक साइड पर रहता है, क्योंकि पावर प्लांट का ही मेन यूज है। तो ये रहा आपका ये पावर प्लांट, ठीक है। आप दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत मतलब ऐसी चीजें जानना जरूरी है जो आपके लिए बहुत मतलब काम में आएगा। पावर प्लांट की क्या जरूरी है, पावर प्लांट हम लोग क्यों लगाते हैं। पावर प्लांट से जो डिस्ट्रीब्यूट पावर होता है, एसी और डीसी दोनों होता है, ठीक है। अब पावर प्लांट में हम रेक्टिफायर यूज करते हैं, रेक्टिफायर रहता है, इसमें आपका कंट्रोलर रहता है जो हम लोग कमीशनिंग करते हैं, और उसमें हम सेट करते हैं अपना कितने आउटपुट पावर होना चाहिए, और उसमें मेरा करंट लोड बताता है पूरा साइट का, और हम उससे अलार्म भी देते हैं, ठीक है। और मेरा बैटरी रहता है जो मैं उसको स्टोर करके रखते हैं अपने करंट को, अगर मेंस चली जाती है, अगर मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो फिर मेरा जो साइटें है वो मेरा बैटरी पे चलती है, ठीक है। तो चलिए इसका हम कनेक्शन देखते हैं। पहले ये रहा मेरा एसी डीवी बॉक्स, ठीक है। इसको हम लोग कनेक्शन देंगे एसी पावर केबल के साथ। और ध्यान में रखिएगा, जब भी आप साइड पे एसी पावर केबल अब रूट करते हैं, तो एसी और डीसी दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, नहीं तो हाई और लो वोल्टेज हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, आपका टेलीकॉम इक्विपमेंट फॉल्टी भी हो सकता है। तो एसी और डीसी का जो भी, जब भी रूटिंग करेंगे तो सेपरेट रखिए। ये एसी डीवी बॉक्स हो गया, हम इसको कनेक्शन दे दिया। और ये मेरा एसी हो गया, एसी एयर कंडीशनर। साइड पे अगर आपका इंडोर साइड है, तो आपको, आप एसी चला रहे हैं, तो आप एसी डीवी बॉक्स से आप एसी को पावर दे सकते हैं, ठीक है। ये हम इसको कनेक्शन कर दिए हम एसी पावर केबल के द्वारा, ठीक है। टावर लैंप की भी अगर आवश्यकता है, अगर साइड पे आपके है, आपको पावर देना है, तो आप एसी डी बॉक्स से आप दे सकते हैं। मतलब अगर जो भी आपके साइड पे है और एसी मतलब पावर की जरूरत है, तो एसी डी बॉक्स से आप उसको दीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका एसी के बारे में, ठीक है, एसी पावर के बारे में। अब ये देखिए, हम बैटरी बैंक, आपको मैंने जैसे बोला था कि जैसे ये आउटडोर कैबिनेट है, ठीक है, तो इसके अंदर में भी बैटरी बैंक हम इंस्टॉल करके रखते हैं, ठीक है। बट आपको समझाने के लिए मैं अलग से बैटरी बैंक लिया, ठीक है। बैटरी बैंक का क्या काम होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेंस नहीं है, तो मेरी जो साइटें है वो बैटरी पे चलेगी, मेरी जो साइटें है वो बैटरी पे चलेगी, ठीक है। जितने भी टेलीकॉम इक्विपमेंट है वो आपका बैटरी पे ही रन करेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग बैटरी इंस्टॉल करते हैं साइड पे। तो हम इसको ये कनेक्शन कर दिए हम डीसी पावर के केबल के द्वारा, ठीक है। और फिर हम पूरा कनेक्शन इसको कर लेते हैं। फिर इसमें हम डिटेल तरह से आपको हम बताते हैं क्या होता है। ये देखिए डीसी डीवी बॉक्स हो गया, जिस तरह से आपका एसी डीवी बॉक्स है, उसी तरह से आपका डीसी डीवी बॉक्स है। अब यहाँ से पावर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, आप जिसको आपको पावर देना है, डीसी पावर जिसको देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले इसको कनेक्शन करते हैं पावर प्लांट से, क्योंकि हम लोग पावर प्लांट से ही कनेक्ट करते हैं डीसी डी बॉक्स को। फिर टेलीकॉम इक्विपमेंट, जो आपका टावर पे जितने भी बीटीएस है, रेडियो है,
जो भी हार्डवेयर है उसको अगर पावर देना है तो आप डीसी डी बॉक्स से दीजिए, नहीं तो बहुत सा ऐसा साइड में देखेंगे डायरेक्ट पावर प्लांट से भी दे देता है। ठीक है, तो यहाँ से हम अलग से डीसी डी बॉक्स से अगर देते हैं तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप पावर प्लांट को बार बार टच नहीं करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पावर प्लांट से बहुत सा मतलब ऑपरेटर को पावर जाता है। जैसे मैं आपको समझाने के लिए इसमें बता दिया टेलीकॉम इक्विपमेंट, ठीक है। अब इस टावर पे इस साइड पे बहुत सा ऑपरेटर रहता है, जैसे आपका जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, और कोई कई ऑपरेटर रहता है। तो सभी ऑपरेटर का अपना अपना डीसी डीबी बॉक्स रहता है, ताकि अगर कोई मेंटेनेंस के लिए भी गया तो अगर कुछ किया भी, अगर एमसीबी ट्रिप हुआ तो एक ही ऑपरेटर डाउन होता है। अगर आप पावर प्लांट में गए और कुछ न्यू इक्विपमेंट इंस्टॉल कर रहे हैं, उसको पावर देना है और पावर दे रहे हैं, यहाँ पे जो आपका एमसीबी ट्रिप करेगा तो सभी ऑपरेटर डाउन हो जाएगा, तो सभी का आउटेजेस आ जाता है। तो ये सब मतलब आपको मतलब बचाने के लिए आपको अलग से डीसीडी बॉक्स आपको इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा अगर आपका साइट पे नहीं है तो आप इंस्टॉल कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा पहले आपको, जो भी वहाँ पे आपका इंफ्रा कंपनी रहेगा, जो भी आपका इंफ्रा पार्टनर रहेगा, जैसे इंडस हो गया, एटीसी हो गया, जियो भी हो गया, एयरटेल का भी अपना रहता है, तो जो भी है। तो पहले टेलीकॉम इक्विपमेंट हो गया, फिर मैंने लैपटॉप क्यों लगाया, क्योंकि हम लोग इंजीनियर है भाई, लैपटॉप की जरूरत होता ही है। ठीक है, तो ये हो गया। आप पावर प्लांट के हम लोग बारे में जानते हैं दोस्तों, यहाँ से इलेक्ट्रिकल लाइन आया, ट्रांसफार्मर आया, ट्रांसफार्मर से आया पावर प्लांट, पावर प्लांट से आया एसी डी बॉक्स, से एसी आया, फिर टावर लैंप पे गया। ठीक है, ये एसी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मेरा यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे मेरा फ्यूज रहता है जो एसी कनेक्ट होता है, और एसी से यहाँ से हम पावर लेते हैं। ठीक है, ये आपका एसी डी बॉक्स का हो गया, एसी पावर का हो गया बारे में। अब हम चलिए चल जानते हैं डीसी, क्योंकि मेरा मेन जो है डीसी है। ठीक है, तो पावर प्लांट का जो काम होता है इसमें हम रेक्टिफायर रहता है, रेक्टिफायर का अपना अपना कैपेसिटी होता है। जैसे कोई भी साइड पे आपका, कई साइड पे आपका दो रेक्टिफायर रहेगा, तीन रहेगा, चार रहेगा, जो आपके जितना लोड है उसके हिसाब से रेक्टिफायर इंस्टॉल करता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर का काम होता है एसी से डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, तो जितने भी मतलब यहाँ से जो भी हम पावर लेते हैं उसके द्वारा मेरा डीसी डी बॉक्स में आता है, फिर टेलीकॉम इक्विपमेंट को जाता है। ठीक है, और फिर मेरा मतलब जो भी जैसे रेक्टिफायर पे आपका डीसी करंट मतलब आ रहा है, तो हम बैटरी को भी चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, बैटरी को भी चार्ज कर लेते हैं, लेकिन बैटरी चार्ज होने के बाद जैसे ही आपका मेंस कट हुआ, आपका मेंस पावर सप्लाई ऑफ हुआ, तो ये क्या होता है, इसके जो आउटपुट जाता है और फिर आपका इसमें डीसी डी वर्क से फिर आपका टेलीकॉम मतलब साइटें आपका डाउन नहीं होती है। ठीक है, तो बैटरी बैंक का भी अपना बैकअप होता है, 2 आवर्स का, 4 आवर्स का, जिस तरह से आप बैटरी बैंक इंस्टॉल करते हैं, किसी साइड पे एक बैटरी बैंक रहता है, दो रहता है, जिस तरह से आपका लोड है। ठीक है, तो इसमें ये रहता है, इसमें कंट्रोलर भी रहता है, कंट्रोल को हम लोग कमीशनिंग करते हैं, कमीशनिंग करके उसमें अलार्म सेट करते हैं, उसमें अपना जो पावर, जो आउटपुट पावर लेना वो भी सेट करते हैं। टेलीकॉम टेलीकॉम में हम लोग -48 वोल्ट यूज करते हैं, जब लेकिन मल्टीमीटर सब जब मेजर करेंगे तो आपको -52 बताएगा, लेकिन आप -48 लेके ही चलिए। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका पावर आर्किटेक्चर फॉर टेलीकम्युनिकेशन, मतलब हम किस तरह से मतलब पावर देते हैं अपने इक्विपमेंट को टेलीकॉम में। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ज्वाइन करना चाहते हैं या टेक्नीशियन ज्वाइन करते हैं, तो आपको ये सब मतलब इस तरह कनेक्शन के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन और आंसर आपको इस वीडियो से तैयार करना, तो आप तैयार कर सकते हैं कि एसी डीबी बॉक्स क्या होता है, एसी डीबी बॉक्स एसी पावर के लिए होता है, डीसी डीबी बॉक्स क्या होता है, डीसी पावर के लिए होता है, बैटरी बैंक हम लोग क्यों लगाते हैं, अपना पावर स्टोर करने के लिए लगाते हैं, अगर मेंस कट हो गया तो फिर मेरा बैटरी से मेरी साइटें चलेगी, तो ये सब चीजें होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और चलिए मैं अलग से आपको पावर प्लांट के बारे में एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसमें मैं डिटेल तरह से बताऊंगा आपको पावर प्लांट में क्या हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।